हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में डीकंस्ट्रक्शन होने वाला है कृष्णा के अनदर ट्रैक फ्रॉम द ईपी टाइम विल टेल। करेंगे हम एंड नॉट गोना लाइन फीलिंग तलहा यूनिस, और ये ट्रैक प्रोड्यूस किया है उमेर ने रुवालियो के साथ। तो उमेर और रुवालियो ने एक जबरदस्त बीट बनाई है। अगर आप रुवालियो के म्यूज़िक प्रोडक्शन से फेमिलियर हैं तो आपने इस गाने में जो वोकल शॉर्ट सुने होंगे बिल्कुल एंड में सुनाई देते हैं, और अगर ध्यान से सुनेंगे तो बीच में भी सुनाई देते हैं। तो वो उनका एक सिग्नेचर साउंड है, उनके पॉप प्रोडक्शंस में भी रहता है, जो कि बिखरा इरादे जैसे सॉन्ग में आपने सुना ही होगा। सो गाइस, सॉन्ग का डिकंस्ट्रक्शन करने से पहले इसका बीपीएम बता देता हूँ, जो कि है 120 बीपीएम, और साथ ही में इस गाने का स्केल जी शार्प माइनर है। तो गाइस, गाने में एक गिटार एलिमेंट भी है। जी हाँ, बहुत बिल्कुल लो रहता है वॉल्यूम में, लेकिन सुनाई देता है बिल्कुल एंड पे और कहीं कहीं बीच के सेक्शन में भी ध्यान से सुनने पे। तो इस गिटार की मेलोडीज़ कुछ ऐसी हैं। तो गाइस, अब सुनते हैं इसका ऑर्केस्ट्रल मेलोडी, जो कि कुछ ऐसे कॉर्ड से बनी हुई है। तो गाइस, इसमें तीन लेयर यूज हुई हैं। सबसे पहले एक्सपैंड की एक लेयर है, थिन लेकिन थोड़ा सा हैवी साउंड, मोर हैवी साउंड, और फिर एक ट्रम्पेट की लेयर। तीनों एक साथ ऐसे साउंड करते हैं। के बाद इस ब्रास मेलेडी या ऑर्केस्ट्रा मेलेडी जो भी आप कहें, इसके ऊपर चलती है एक वायलिन या थोड़ी सी क्वायर टाइप का साउंड, तो कुछ ऐसा सुनाई देता है। तो गाइस, इसके बाद इसमें यूज़ करे गए हैं कुछ वर्कशॉट्स, जो कि मैंने ओरिजिनल सॉन्ग से यूज़ किया है, क्योंकि इसे रिक्रिएट करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। अब आते हैं गाने के 808 सेक्शन में। तो उसका 808 थोड़ा डिले होके लेट शुरू होता है, साथ में जब वो शुरू होता है तो एक राइजिंग सा फील आता है। इसको पहले मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं क्रिएट करना बताऊँगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे सुना 808, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर को राइज कर रहा है पिच में। तो ये करते कैसे, हम एक लोअर नोट लेते हैं और एक अपर नोट लेते हैं, जो कि स्लाइड हो रहा था, जिसमें आप ये वाला बटन ऑन कर देंगे तो ये स्लाइड हो जाएगा। साथ ही में क्या करते हैं हम, कि जो लोअर वाला नोट है उसकी वेलोसिटी कर देते हैं ज़ीरो, और अपर वाले नोट की वेलोसिटी रखते हैं फुल। तो इससे ये वाला नोट इस पर स्लाइड तो करेगा, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ अपर वाले नोट की ही रहेगी। तो ऐसा लगता है रिवर्स 808 टाइप का फील आता है, वरना अगर ये नॉर्मल होता तो कुछ ऐसा सुनाई देता। तो इसे कहते हैं रिवर्स 808 टेक्निक। तो फिर साथ में अभी 808 पैटर्न कुछ ऐसा सुनाई देता है। तो गाइस, अब इन 808 को हाई हैट और क्लैप के साथ सुनते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस गाने में किक का कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। जो भी इनिशियल ट्रांसजेंट आ रहा है वो सिर्फ 808 का ही। तो ड्रम्स कुछ ऐसे सुनाई देते हैं। ड्रम्स में हाई हैट के साथ थोड़े से पर्क भी यूज़ किए गए हैं। तो आइए सुनते हैं। तो गाइस, अब इंट्रो को एक साथ सुनते हैं, तो कुछ ऐसा साउंड करता है। अब गाइस, गाने का कोरस सेक्शन सुनते हैं विद ड्रम्स। और हाँ गाइस, आगे के वर्स वाले सेक्शन पे एक वन शॉट आता है, तो इस सेक्शन को भी आपको सुनाता हूँ। सो
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये था पूरा बीट डी कंस्ट्रक्शन. पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद द प्रोड्यूसर फ्रेंड्स. और सो दोस्तों, मैं जल्द ही एक मेलेडी लूप किट लाने वाला हूँ जो कि 500 से 1000 के बीच में एक मिनिमम प्राइस पर रहेगी. अगर आपको परचेज करना होगा तो उसका डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्द ही. तो ये सारे लूप्स रॉयल्टी फ्री होंगे. आपको अपने प्रोडक्शन में यूज़ करना है, कमर्शियल यूज़ करना है, किसी रैपर के लिए यूज़ करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं. आपको मुझसे कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी. थैंक यू.